नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम आपके लिए HCS 2024 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे और अगर आप 2024 HCS की तैयारी कर रहे हैं तो कई सारे कंसेप्ट भी आपके इन लेक्चर्स के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फीयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन व्हाई? ऑप्शंस आर द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ, या फिर सेकंड की अगर बात करें तो आपका रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं। ऑप्शंस की अगर बात करें तो पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट कौन सी हैं। तो ए है आपका वन ओनली, और सेकंड है आपका जो बी है आपका टू ओनली, सी है आपका वन एंड टू, और डी है आपका नेदर वन एंड टू। सो ये सारे जो ऑप्शन हैं इनमें से आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट पे हम गौर करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स टू द अर्थ। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है बिकॉज इसका कोई रिलेवेंस नहीं है हमारे क्वेश्चन के साथ। ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ना कि आयनोस्फेयर में होती है, तो पहले तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। अब वेरी लॉन्ग वेवलेंथ हो शॉर्ट वेवलेंथ हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देखिएगा इस इमेज में कि आपकी जो आयनोस्फेयर है वो आपकी थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। ये थर्मोस्फेयर है, इसी में आपको आयनोस्फेयर भी नजर आ जाएगी। आयनोस्फेयर की खास बात क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो जब नीचे से आपकी सैटेलाइट, मान लीजिए यहाँ पे सैटेलाइट है, उसके थ्रू सिग्नल जो है यहाँ पे छोड़ा गया, तो सिग्नल यहाँ पे जाएगा आयनोस्फेयर में और यहाँ पे जितने भी रेडियो जो आयनोस्फेयर के अंदर चार्ज पार्टिकल है वो उस रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करेंगे अर्थ पे, और यहाँ पे एक रिसीवर लगा होगा जो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा जो रेडियो सिग्नल आया है। तो यहाँ पर जो रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है वो आयनोस्फेयर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उनकी वजह से होता है, तो उस बारे में यहाँ कोई मेंशनिंग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऊपर वाली भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा नाइदर वन एंड नाइदर टू। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन? पहले स्टेटमेंट, देर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद देर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखिए सवाल इस तरह से पूछा जा रहा है कि जेट जो विमान होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसके लिए अंदर इजीली उड़ पाते हैं, रीजन क्या है उसका? कह रहे हैं कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें कोई भी ज़्यादा बादल या जल जो जलवाष्प होते हैं, इवेपोरेशन होती हैं, वाटर वेपर्स है, वो नहीं होते हैं। सेकंड आपका, देर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट मेरे ख्याल से यहाँ पे सही नजर आ रही है। क्यों? ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द एटमोसफेयर एटमोस्फेरिक गैसेज और वाटर वेपर इट इज़ इन दी ट्रोपोस्फेयर। तो पहली जो सबसे पहली लेयर है जमीन के नज़दीक का ट्रोपोस्फेयर, उसी में ज़्यादातर बादलों की फॉर्मेशन होती है, उसी के अंदर गैसों का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर प्लेन वगैरह उड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेज हो सकती हैं, बादल हो गए, बिजली कड़केगी, क्योंकि बारिश हो रही है तो बिजली भी कड़क सकती है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। इसलिए जेट्स क्या होता है, नॉर्मली आपके स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं और फिर यहाँ पे फ्लाई करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर कंपैरेटिवली ट्रोपोस्फेयर की बड़ी शांत लेयर है। इजीली वहाँ पे जेट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्योंकि जेट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको इसी तरह की एक लेयर चाहिए होती है और स्ट्रेटोस्फेयर वो चीज़ प्रदान करती हैं। और यहाँ पर सही बात है कि नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, कि ऊपर की तरफ को जमीन से ट्रोपोस्फेयर तक तो हवा उठती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बट स्ट्रेटोस्फेयर तक बहुत रेयरली ही जा पाती हैं। तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है, पहले भी और दूसरे भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज, कि जैसे जैसे हम जमीन पर अर्थ पर नीचे से जमीन से ऊपर की तरफ आसमान की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि क्यों होगा। तो पहले स्टेटमेंट है द एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस, और सेकंड स्टेटमेंट है देयर इज नो मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफेयर, या फिर थर्ड है द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोसफेयर। तो देखिए दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफेयर ऐसा नहीं है। एटमोसफेयर की जो लोअर लेयर्स होती हैं वहीं पे जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो लेस एयर है या डेंस एयर है
इसका कोई मतलब नहीं पड़ता यहाँ पर। और वैसे भी ये चीज़ भी गलत है कि जो अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो गैसेज है वो डेंस होगी या फिर लाइट होगी, उसकी वजह से टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा, वो भी सही नहीं है यहाँ पे स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है किस तरह से, क्योंकि अगर आप इस इमेज में देखें तो होता क्या है कि सन रेज यहाँ पर आती है, जमीन पर पड़ती हैं, और उसके पड़ने के बाद वो जो सन रेज है वापस चली जाती हैं। अब सनरेज आई और सनरेज गई, उसने एटमॉस्फेयर को, जो हवा थी उसको गर्म कर दिया। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो जो सनरेज आई थी पहले, उन्होंने जमीन को गर्म किया, जो अर्थ की सरफेस थी ना उसको गर्म किया। अब जब रात हो गई उस टाइम पे, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं रात हो गई, तो सनलाइट तो नहीं पड़ रही है, तो उस हिसाब से एटमॉस्फेयर की ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी लेयर्स है सभी में टेम्परेचर आइडियली सेम होना चाहिए। बट होता क्या है, क्योंकि अर्थ सरफेस जो है वो गर्म है, ये गर्म है तो यहाँ से हीट कॉन्टिन्यूसली रात को निकलती रहती है। रात को लगा लीजिए छोटा एग्जांपल, रात को, या फिर आप विंटर्स भी लगा सकते हैं, विंटर में भी हीट निकलती रहती है। तो वो हीट क्या करती है, नीचे जो अर्थ के नज़दीक वाला हिस्सा होगा उसको ज़्यादा गर्म करेगी, उससे ऊपर जाएंगे थोड़ा कम करेगी, उससे ऊपर थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, इस तरह से ऊपर ऊपर जो है वो एटमोस्फेरिक लेयर बढ़ती रहती है। और टेम्परेचर जो है वो आपका नीचे जो जमीन के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हवा होगी उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि जमीन से ही जो टेम्परेचर मिल रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात करें, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्किड विद द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन डेवलप एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन दिस फील्ड। देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जो आपके ऑर्चिड होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल सूटेबल क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन बी मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेसा ऑर्चिड सेंचुरी भी है, और द ओनली सेंचुरी फॉर द ऑर्चिड्स, ये आपके अरुणाचल प्रदेश का प्राइड भी है। खास बात क्या है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल है ऑर्चिड्स की ग्रोथ के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में रेनफॉल भी मिलती है, तो उस हिसाब से ये जो फूल है ये इजिली वहाँ पर ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, दिस इज बिकॉज, ये आपका ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है 2011 के अंदर, कि अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पर उनको काट के खत्म कर दिया जाए किसी भी जगह पर, तो उनको दोबारा से पैदा होने में, जनरेट होने में ज्यादा वक्त लगेगा इन कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ऐसा क्यों होता है, स्टेटमेंट उन्होंने खुद बता दी कि ऐसा ऐसा है, आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका, द सॉयल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी प्रोपगेट्स ऑफ द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी, या सी की बात करें द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग, डी की बात करें एग्जॉटिक स्पीसीज इनवेड द फर्टाइल सॉयल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। क्यों, ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो वर्षा होगी वो अच्छी खासी होगी, ठीक ठाक बारिश होती होगी, और बारिश ठीक ठाक होगी तो नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, बारिश ज़्यादा होगी और ऊपर से कह रहे हैं कि पेड़ काट दिए हमने तो जितनी भी मिट्टी होगी वो तो सारी बारिश के पानी के साथ ही बह जाएगी, तो जो ओवरलाइन सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी मिट्टी की अगर वो बह ही जाएगी तो उसी में तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो सबसे ऊपर वाली लेयर अगर बह गई तो नीचे वाले लेयर में तो न्यूट्रिएंट्स होंगे ही नहीं, और न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो दोबारा में अगर दोबारा उस जगह पर आपको फॉरेस्ट लगाने होंगे, पेड़ पौधे लगाने होंगे, तो वो मुश्किल होगा क्योंकि द सोइल इज द डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर होगा, कुछ इस तरह के आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। आगे अगर बात करें HCS 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे कोर्सेज गोयला क्लास की तरफ से लॉन्च हो चुके हैं, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 24,999 का भी कोर्स है जिसके अंदर आप ऑप्शनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आगे अगर बात करें आप कंप्लीट ऑप्शनल विद जीएस पढ़ना चाहें तो 39,999 में आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आप सिर्फ जीएस का कोर्स भी बाय करना चाहें जिसमें ऑप्शन ना हो तो 29,999 में आप वो भी बाय कर सकते हैं। आगे अगर बात करें, हमारा टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी अगर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।